उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लोगों ने मांग की है कि ज्वालापुर कृषि उत्पादन मंडी समिति समीप खाली पड़ी ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि को मंडी समिति को दिया जाए ताकि यहां किसानों को राहत मिल सके। ज्वालापुर कृषि उत्पादन मंडी समिति के समीप खाली पड़ी ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि को मंडी समिति को दिए जाने की मांग को लेकर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक का संचालन राजेश खुराना ने किया। बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री गणेश जोशी को संयुक्त रूप से प्रस्ताव भेजा गया। मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री ई राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के तहत यहाँ कोल्ड स्टोर फूलों की मंडी स्थापित की जाए ताकि आसपास के किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। इससे सरकार का किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य आसानी से पूरा किया जा सकता है। भंडारण की व्यवस्था में समस्याओं के ट्रांसपोर्ट नगर की जो भूमि है, जो खाली पड़ी हुई है, वो भूमि यदि कृषि उत्पादन मंडी समिति में विलय हो जाती है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ मंडी समिति का धेरा बढ़ेगा। और मेरी आपके माध्यम से एक मांग और भी है कि फूलों की मंडी, फूलों की मंडी आप देखेंगे कि पूरे उत्तराखंड के अंदर फूल की मंडी नहीं है। और यहाँ का जो फूल है, चाहे उद्धम सिंह नगर का फूल हो, चाहे हरिद्वार का फूल हो, अगर उद्यान विभाग से आप अगर रिपोर्ट लेंगे तो एक से एक है ना फूल यहाँ पर होता है। और वो फूल जो है उसका उचित प्रबंधन ना होने के कारण उचित मूल्य नहीं मिलता है किसानों को, और किसान जो है दर दर भटकते हुए उनको जो है दिल्ली की मंडी में जाना पड़ता है, और दिल्ली से जो यहाँ के जो हमारे व्यापारीगण हैं वो दिल्ली से फूल लाकर यहाँ पर बेचते हैं। तो यह मेरी आपके माध्यम से मांग है कि फूलों की मंडी भी उत्तराखंड के अंदर बनाई जानी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से कृषि उत्पादन मंडी समिति ज्वालापुर का दायरा बढ़ाकर जो ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि है वो उसमें विलय की जानी चाहिए। यह आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं, और ईमेल द्वारा भी इस मांग को दोहराया जाएगा। और आने वाले दिनों में यदि इस मुद्दे पर अगर जनमत भी अगर हमें अर्जित करना पड़ा तो जनमत के साथ इस बात को दोहराते रहेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।